नमस्कार दोस्तों। गरीब चरवाहे ने बरसों पहले बचाई जान, लड़की ने फिर इस तरह से चुकाया उसका एहसान। जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए और कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे को हमेशा अच्छा ही मिलता है। बस समय लग सकता है, पर अच्छे कर्म करने वालों की ज़िंदगी जरूर बदलती है। खैर, हाल ही में ऐसी ही एक सच्ची घटना घटित हुई है, जिसे सुनकर शायद आप भी कहोगे कि वाह क्या बात है। ये बात है आज से 9 साल पहले की। असम में एक गांव में गरीब ग्वाला अपनी बकरी को चरा रहा था कि उसी वक्त उसकी एक बकरी जंगल में दूर चली गई। जब वो जंगल में अपनी बकरी खोज रहा था तो उसे जंगल में झाड़ियों में बंधी एक लड़की दिखी। व्यक्ति लड़की को देखते ही समझ गया कि ये कोई किडनैपिंग का मामला है। फिर भी उसने हिम्मत की और उस लड़की को खोला। लड़की को किसी तरह से वो अपने घर लाया और लाते ही लड़की बेहोश हो गई और करीब 4 घंटे बाद उसे होश आया। ऐसे में उसने बताया कि उसका नाम नीतू सिंह है और गुवाहाटी की रहने वाली है। वो बस का इंतजार कर रही थी कि अचानक 4 लड़के आए और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाला और बंदूक इत्यादि दिखाकर डराकर यहाँ से ले आए। अब उसके साथ क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। खैर, उस व्यक्ति ने इस लड़की की जान बचा ली। इस व्यक्ति का नाम मंकेटेश्वर है। ये बहुत गरीब था, पर कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल मिलता जरूर है, बस वक्त लग जाते हैं। एक दिन जैसे ही व्यक्ति घर आया तो उसके घर के आगे 4 बड़ी गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही वो घर के अंदर गया, एक खूबसूरत लड़की ने उन्हें नमस्ते किया और बोले कि भूल गए कि मैं याद हूँ चाचा, मैं वही नीतू हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी। अब आपको यहाँ नहीं रहना होगा, अब आप मेरे साथ चलें। और ऐसे करके उस लड़की ने उस आदमी को गुवाहाटी लाकर एक मकान दिलवा दिया। उसकी लड़की को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और एक कपड़े की दुकान करवा दी, जिस पर नौकरी भी वो करने लगा। वो लड़की हफ्ते में 3-4 दिन उसके साथ रहने को आ जाती है। आज के समय में नीतू सिंह एक्स आइन है और अच्छा पैसा कमाती है। नीतू कहती है कि आज चाचा की वजह से मैं जिंदा हूँ, सुरक्षित हूँ, अगर वो ना होते तो आज मेरा नाम भी ना होता। ऐसा बोलकर नीतू रोने लग गई। चाचा भी खुश हैं, उनके अच्छे कर्म ने उन्हें एक सफल परिवार बना दिया। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी के लिए इतना सोचता है, पर नीतू ने उनके बारे में सोचा। इसके लिए वो प्रार्थना करती हैं कि नीतू और भी तरक्की करें। तो दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।